وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في الكلام الآخر يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الآخر ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخلوا الجنة قاطعا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سارے ساتھی محبت احترام کے ساتھ ایک مرتبہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین عزیز بھائیو دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے عیب لا ریب کتاب قرآن مجید قرآن حمید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا بیان کیا ہے. اس کے علاوہ فرمانے تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک احادیث بیان کی ہے. دعا گوہوں اس رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ عالیہ والعدلیہ کے اندر کہ رب کائنات ان الفاظ کا صحیح صحیح معنی اور مفہوم مجھے بیان کرنے کے بعد سمجھانے کے بعد مجھے اور آپ دونوں طرفین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان وائز یا حدیث یا قرآن پاک کا ترجمہ سننا یا سنانا مقصود نہیں ہوتا بلکہ پہلے
एक खिताब में भी ये अर्ज कर चुका हूँ कि सुनना और सुनाना मकसूद नहीं बल्कि उस पर अमल करना ये मकसूद होता है। सिर्फ सुनना और सुनाना इससे जिंदगी नहीं बनती बल्कि जब उस पर अमल हो जाए तो फिर जिंदगी बनती है। इसलिए रब से दुआ करते हैं कि जब भी हम कुछ सुनाते हैं अल्लाह तबारक व ताला उस सुनाने पर हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हाजरीन को भी उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सामीन, आज का जो मेरा मौजू काबिले जिक्र है वो है हकूकुल इबाद। हर इंसान पर दो किस्म के हक हैं, एक हकूकुल्ला है और दूसरा हकूकुल इबाद है। हकूकुल्ला से मुराद अल्लाह तबारक व ताला के हक हैं और हकूकुल इबाद से मुराद इन बंदों के हक हैं। हकूकुल्ला में अल्लाह का जो सबसे पहला हक है वो ये है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसकी वहदानियत में किसी को शरीक ना किया जाए, वो वहदहु ला शरीक है। ये अल्लाह का हक है, इसको मखलूक में नहीं लेके आना, ये अल्लाह का हक है। और एक ये ऐसा हक है कि अगर इसमें इंसान अल्लाह तबारक व ताला हमें महफूज रखे, अगर इसमें इंसान अल्लाह के अलावा किसी को भी लेके आ जाए तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि वो शिर्क है। और शिर्क के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया फइन्ना शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, ये जो शिर्क है ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन आज का जो मेरा मौजू काबिले जिक्र है वो है हकूकुल इबाद। वैसे अमूमी तौर पर एक बात होती है कि हकदार हकूक लेने वाला जितना बड़ा होता है, जितना काबिले एहतराम होता है, उसकी हक तलफी ही उतना ज्यादा गुनाह होती है। जैसे मेरा छोटा भाई है, अगर मैं उसके हकूक की हक तलफी करूंगा तो मैं गुनाहगार होऊंगा लेकिन कम होऊंगा इसकी निस्बत कि अगर मैं अपने वालिद की हक तलफी करता हूं। लेकिन यहां मामला ज्यादा उल्ट है क्योंकि अल्लाह का हक ज्यादा है, बंदों का हक कम है, लेकिन अल्लाह ने अपने हक में रायत दी है, बंदों के हक में रायत नहीं दी। यह मामला उल्ट है, अल्लाह ने अपने हक में हमें रायत दी है। अगर इंसान शिर्क नहीं करता, वो नमाज छोड़ जाता है, वो रोजे छोड़ जाता है, वो हज जकात सोम सलात गुनाहों के दलदल में फंस जाता है, गुनाहों के दलदल में गिर जाता है, गुनाहगार इतना होता है कि उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर होते हैं, लेकिन अल्लाह के हक हैं। अल्लाह तबारक व ताला इंसान से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला के दर पर एक दफा माफी मांगने से अल्लाह तबारक व ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। और सिर्फ माफ ही नहीं फरमाते बल्कि अल्लाह ने फरमाया वमन युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिम हसनात, मैं उनके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता हूं। कि अल्लाह का हक है, अल्लाह का हक, अल्लाह अपना हक जो है वो माफ फरमा देंगे, लेकिन इसके बरअक्स बंदों के जो हक हैं हम पर हकूकुल इबाद है वो उस वक्त तक माफ नहीं होंगे जब तक जिसका हक है उससे ना माफ करवाया जाए। आज काबिले गौर बात यह है, काबिले जिक्र बात यह है, मुआशरा इस किस्म का आ चुका है कि हम अल्लाह के हक तो अदा कर रहे हैं, मिंबर में बैठे हैं, मुंह पे सुन्नत रसूल रखी हुई है, तस्बीह है हमारे हाथ में, हमारे जीनत देख के, हमारा चेहरा देख के लोग हमें वली समझ रहे हैं, हम अल्लाह के हक इतने अदा कर रहे हैं, लेकिन बंदों के हक में हम ऐसे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। मेरा भाई है, मुझे पता नहीं मैंने भाई का हक खा लिया, मेरी बहन है, मुझे उसका यह पता नहीं कि मैंने उसको विरासत में क्या देना था, मेरी बेटी है, मेरा मुझे वो नहीं पता कि मैंने बेटी को विरासत में क्या देना था। बंदों के हक में हमने ये शक्लें इख्तियार कर ली हैं। दोस्तों, अल्लाह का हक ज्यादा है, लेकिन अल्लाह ने अपने हक माफ कर देने हैं। बंदों के हक अगरचे थोड़े हैं लेकिन जब तक बंदा नहीं माफ करेगा तब तक वो अल्लाह ने माफ नहीं करना। अल्लाहु अकबर। बंदों के हक, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं जो सलात यानी नमाज
रोजे, सकात, हज इन सबसे ज्यादा अफजल हो, इन सबसे ज्यादा अफजल हो। तो साहब इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन ने फरमाया या रसूलल्लाह अर्शाद फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपस के अंदर ताल्लुकात को कायम रखो, आपस के हकूक जो है वो अदा करते रहो। अगर तुमने वो हक अदा नहीं किए तो हक तल्फी जो है ऐसा गुनाह है, ऐसा गुनाह है जैसे उस्तरा बालों को मूंड के रख देता है, ऐसे ये नेकियों को मूंड के रख देगा। हदीस बात में का मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा साहब इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से पूछा कि तुम मुफलिस किसे समझते हो, मुफलिस गरीब किसे समझते हो। अल्लाह अकबर। तो साहब इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने जवाब दिया या रसूलल्लाह हम मुफलिस उसको समझते हैं जिसके पास दौलत नहीं है, जिसके पास गाड़ी नहीं है, जिसके पास बंगला नहीं है वो गरीब है, जिसके पास दो वक्त का खाना नहीं है वो गरीब है, जो अच्छा खा नहीं सकता वो गरीब है, जो अच्छा पहन नहीं सकता वो गरीब है। हम भी यही समझते हैं। अपने आप को ले लें, अगर मेरे पास चार पैसे हैं तो मैं दूसरे को गरीब समझता हूँ, चाहे मेरा भाई है चाहे बहन है, मैं कहता हूँ मुझसे बड़ा अमीर नहीं है कोई, तो हम इसको गरीब समझते हैं। तो मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगो ये गरीब नहीं है, इससे ज्यादा गरीब शख्स आपको बताऊं। तो साहब इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर इरशाद फरमाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यामत का दिन होगा एक आदमी इतनी नेकियां लेके आएगा, इतनी नेकियां लेके आएगा कि नेकियों के उसके पास अंबार होंगे, नेकियां इतनी होंगी लोग कहेंगे ये जन्नती है, इतनी नेकियां हैं इसके पास। लेकिन हकूकुल इबाद के मामले में वो ऐसा होगा कि उसने बंदों के हक अदा नहीं किए होंगे, तो जिनके हक अदा नहीं किए होंगे, किसी का माल खाया होगा वहां माल तो नहीं होगा, किसी के पैसे खाए होंगे वहां पैसा नहीं होगा, किसी का हक जमीन मारी होगी वहां जमीन तो नहीं होगी, तो फिर अल्लाह कहेगा कि इसकी नेकियां जो है वो नेकियों में से कटौती हो जाए और नेकियां जो है वो हकदारों में बांटते रहो, वो नेकियां हकदारों में बांटना शुरू हो जाएंगे। हदीस पाक का मफहूम है कि नेकियां खत्म हो जाएंगी, अभी हकदार खड़े होंगे तो फिर अल्लाह फरमाएंगे कि जो उन हकदारों के गुनाह हैं वो इसके पड़ले में डाल दो। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे गरीब सबसे मुफलिस वो शख्स है जिसके पास इतनी नेकियां दुनिया से लेके जाएगा लेकिन फिर भी जाएगा जानना नहीं। तो अजीज दोस्तों, बात करने का मकसद ये है, मुआशरे को समझाने का मकसद ये है, मुआशरे को सुलझाने का मकसद ये है कि हम लोगों के मामले में, दुनिया के मामले में, हकूकुल इबाद के मामले में सही हो जाए। एक मरतबा पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी आए तो सब साथी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया करें, ये ना पढ़ना आप सल्लम की बद्दुआ है कि वो शख्स हलाक हो जाए जिस शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी और इसमें ग्रामी आए तो वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहे। तो अल्लाह पैगम्बर ने बद्दुआ की और जिब्रील अमीन ने आमीन कहा, तो अल्लाह ताला ने इस बद्दुआ से बचाए। तो इसलिए जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहा था कि जिहाद का मौका है, आप जिहाद के लिए तरगीब दे रहे हैं सहाबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन को कि जिहाद की ये फजीलतें हैं, हत्ता के यहाँ तक फजीलत है कि अगर शहीद जंग में शहीद हो जाए तो उसको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। इतनी शहादत, इतनी अजमतें, इतनी करामात, इतने अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान दे दिए। तो एक सहाबी खड़े हो गए, फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं जिहाद करता हूँ, शहीद हो जाता हूँ तो क्या शहीद होने के बाद मेरे हक माफ हो जाएंगे? तो आपने फरमाया हाँ हो जाएंगे, लेकिन बंदों के हक नहीं माफ होंगे। शहादत एक इतना अजीम रुतबा है कि शहीद का जो खून है उसका कतरा जमीन पर नहीं गिरता, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमा देते हैं। लेकिन हकूकुल इबाद इतना सख्त मामला है वो शहीद पर भी माफ नहीं हो।
मेरे भाइयों, हम सोचे कि हम कौन हैं, हम सोचे कि हम कौन हैं, और खुद शहीद तो शहीद रह गए, उनका मकाम अपनी जगह पर, खुद पैगंबर अलैहिस्सलाम कुर्बान जाऊं आपके जूते मुबारक पर लगने वाली मट्टी से भी मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह के बाद इस कायनात में सबसे आला, सबसे अफजल शख्सियत है तो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की है, उनका उन पर ईमान लाना मेरे ईमान की जुज है। मेरा पैगंबर अलैहिस्सलाम इतनी अजीम शख्सियत कि जब मक्का की गलियों में चलते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, ला अक्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मैंने पूछा, मौला तू इस मक्के की कस्में क्यों उठा रहा है? इसलिए ये यहाँ पर तेरा काबा है, तेरा बैतुल्ला है, जमजम है, उहद है, क्यों उठा रहा है? तो रब ने जवाब दिया, कायनात वालों मैं इसलिए कस्में नहीं उठा रहा कि यहाँ बैतुल्ला है, यहाँ जमजम है, यहाँ उहद है, मैं बल्कि इसलिए उठा रहा हूँ कि जब मैं देखता हूँ तलियां मुस्तफा की हैं, गलियां मक्के की हैं, तो मैं उन तलियों की कस्में उठाता हूँ। इतना बड़ा मकाम अल्लाह के बाद अगर इस कायनात में कोई हस्ती अजीम है तो वो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की हस्ती है। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी फजीलत जिनको नबियों ने इमाम माना, अल्लाह ने नबियों का इमाम बनाया, जिनकी तमन्ना नबी करते रहे कि वो पैगंबर हमें मिल जाए, इस उम्मत में आने के लिए नबी तरसते रहे कि उस नबी की उम्मत हमें नसीब हो जाए, इतनी आला शान, इतनी अजमतों वाला पैगंबर कि जिसके उंगली के इशारे पे चांद टुकड़े होके गिर जाए, जिसके थूक लगाने से कड़वा कुआं मीठा हो जाए, इतनी अजमतों वाला पैगंबर। लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जब मर्जुल वफात है, आखिरी उम्र है, आखिरी आयाम चल रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में आए, खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया, लोगो अगर मैंने किसी का हक खाया, मैंने किसी को कोड़ा मारा, मैंने किसी का कुछ देना है, तो वो आज दुनिया में उसका बदला मुझसे ले ले, कल क्यामत के दिन मैं भी वो उसका बदला नहीं दे सकता। तो हम देखें कि हम कौन हैं, लाखों करोड़ों खाके बैठे हैं और फिर हम अपने आप को जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहे हैं और कहते हैं कि हम ही मुसलमान हैं, हमने ही जन्नत में जाना है, हम जन्नत के दावेदार बन बैठे हैं। क्यों? अल्लाह तबारक व ताला के हकूक पूरे कर दिए हमने, लेकिन इन बंदों के हकूक कहां जाएंगे? इन बंदों के हकूक में कभी हमने सोचा है? कभी नहीं सोचा। बस हर शख्स इसी चक्की में फेंस रहा है कि अल्लाह माफ कर देगा, गुनाहगार है जी अल्लाह माफ कर देगा। दोस्तों, अल्लाह माफ करेगा लेकिन अपने हकूक माफ करेगा, बंदों के हकूक नहीं माफ करेगा। बंदों के हकूक बंदे ही माफ करेंगे, और बंदों के हकूक में हक जो है वालदैन का, वालदैन जन्नत है, बहुत बड़ा मकाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मोहब्बत की निगाह से अपने वालिद के चेहरे की ज़ियारत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको एक हज का सवाब अता फरमाते हैं, इतना बड़ा सवाब। और एक हदीस में आया है कि अल्लाह तबारक व तआला हर गुनाह की सजा, हर गुनाह की सजा आखिरत में देते हैं, मरेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको सजा देंगे, लेकिन वालदैन की नाफरमानी एक ऐसा गुनाह है जिसकी सजा इस दुनिया में मिलने वाली है। जब तक उसको इस दुनिया में सजा नहीं मिलेगी, अल्लाह तबारक व तआला उसको मौत नहीं देगा। तो सबसे पहला जो हक है वो वालदैन का है, हत्ता के अल्लाह तबारक व तआला ने यहां तक इरशाद फरमा दिया, उफ्फ वला तनहर, कि अगर वालदैन तुम्हें कुछ भी कहें तो उफ भी ना कहो। उफ बहुत छोटा लफ्ज है, बहुत छोटा लफ्ज है, लेकिन इसके बरअक्स वालदैन के हकूक भी अपनी जगह पे, वालदैन के बहुत ज्यादा हकूक हैं, लेकिन वालदैन के साथ साथ औलाद के भी हकूक हैं। सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने वालदैन के हकूक सामने नहीं रखे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने वालदैन के साथ साथ औलाद के हकूक को भी सामने रखा है। और औलाद का हक ये है
कि सबसे पहला हक जो औलाद का है वो ये है कि औलाद जो पैदा होनी है उसकी माँ का इंतखाब अच्छा होना चाहिए, ये औलाद का सबसे पहला हक। सबसे पहला हक औलाद का ये है कि उसकी जो माँ का इंतखाब करना है वो अच्छा होना चाहिए। दूसरा, सब अगर इस्तेताद है तो उसका क्या करना चाहिए, और तीसरा ये है कि उसका नाम अच्छा रखना चाहिए। उसका नाम अच्छा हो, अच्छा नाम रखे, उसकी तालीम और तरबियत अच्छी करे, ये भी वालदैन के हकूक में शामिल है। उसकी तालीम और तरबियत अच्छी करे, उससे पूछे बेटा नमाज पढ़ी है, ये वालदैन का हक है ना पूछे। मैं अपने बेटे से ये पूछ सकता हूं कि बेटा खाना खाया या नहीं खाया, आज स्कूल गए थे, नहीं पापा नहीं गए थे, क्यों नहीं गए थे, ये वजह थी, ये काम किया है नहीं किया, क्यों नहीं किया। कभी मैंने ये पूछा बेटा आज नमाज पढ़ी है, नहीं पढ़ी, क्यों नहीं पढ़ी। अपने अंदर मुहासबा करें ना, पता ही नहीं है। दुनिया के लालच में घिर चुके हैं, दुनिया के हिर्स में घिर चुके हैं, हमारे आंखों पे दुनिया का लालच पड़ चुका है, पट्टी बंधी हुई है दुनिया के लालच की, दुनिया कमा रहे हैं, दुनिया कमा रहे हैं, दुनिया कमा रहे हैं, आखिरत में नहीं जाना, औलाद का हिसाब नहीं देना। मेरा बेटा बैठ के फेसबुक चला सकता है, कुरान क्यों नहीं पढ़ सकता। मेरी बहन घर में बैठ के नावल पढ़ सकती है, वो कुरान की तफसीर क्यों नहीं पढ़ सकती। हम मुसलमान नहीं है। अफसोस है कि हमारे बच्चों को इंग्लिश के नावल याद हैं, उर्दू डाइजेस्ट याद है, लेकिन उनसे कलमा सुनने को आए तो कहते हैं जी हमें तो नहीं आता, हमें तो नहीं आता। क्यों? वालदैन ने तरबियत ही ऐसी की। एक मरतबा हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया और उन्हें शिकायत की, फरमाया या अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा बहुत ज्यादा नाफरमान है, मेरी नाफरमानी करता है। तो आपने उसको बुलाया, बुला के उसको थोड़ा सा डांटा कि बेटा वालदैन के हकूक होते हैं, वालदैन की हक तलफी ना करो। तो आगे लड़के ने सवाल किया कि या अमीरुल मोमिनीन वालदैन के तो हकूक हैं, क्या औलाद के भी हक हैं? तो आपने फरमाया हाँ औलाद के हक हैं, उसका नाम अच्छा रखो, उसकी माँ का इंतखाब अच्छा करो, उसको दीन का सही इलम दो, ये औलाद के हकूक हैं। तो आपने फरमाया, तो उस लड़के ने कहा कि इस इन्होंने मेरी जो माँ है वो जर खरीद खरीद लौंडी है, मेरी माँ का इंतखाब अच्छा नहीं किया, मेरा नाम जोर रख दिया जिसका मायना बदसूरत है, और कुरान पाक की मुझे एक आयत भी याद नहीं है। तो फरमाया अब औलाद का हक किधर जाएगा? तो या अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह से डर, तू कहता है कि बेटा मेरी हक तलफी कर रहा है, बल्कि तूने उसके हक की हक तलफी पहले की हुई है। तो दोस्तों, बात करने का मकसद ये है, आज के मुआशरे के मुताबिक हर शख्स यही कहता है कि जी मौलवी मिंबर रसूल पे बैठते हैं। मैं थोड़ा अलग मिजाज का मौलवी हूँ, मैं मुआशरे को साथ लेकर चलने वाला हूँ, ये मुआशरे की एक ज़रूरत है। सिर्फ तफसीर बयान कर देना, वाक्य बयान कर देना, उससे मुआशरा नहीं बदलता। मुआशरा बदलता है मुआशरे को साथ लेके चलने से, और ये मुआशरे की जरूरत है। हर शख्स हक तलफी कर रहा है, मैं खुद हक तलफी कर रहा हूं, हर एक दूसरे के हक तलफी कर रहा है। पड़ोसियों के हकूक को ले ले, इतने ज्यादा पड़ोसियों के हकूक हैं कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील अमीन के बार बार आने की वजह से मुझे इस बात का खौफ पैदा हो गया कि कहीं जो पड़ोसी है वो हकदार ना बन जाए विरासत में। इतने ज्यादा पड़ोसियों के हकूक, लेकिन हमें देख ले। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हदीस का मफहूम बयान करके बात को खत्म करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, तुम में से मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसकी जुबान से दूसरा इंसान महफूज रहे। आज हम बैठ जाते हैं तमस्करे करते हैं, पता ही नहीं भाई के रास्ते में कांटे डाल रहे हैं, पता ही नहीं, और कहते क्या है हम ही मुसलमान हैं, हमने ही जन्नत में जाना है,
हालांकि मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया। और मेरा ये ईमान है कि पत्थर पहाड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं, सूरज तुलू होने की जगह से, गुरूब होने की जगह से निकल सकता है, लेकिन आगे पीछे कायनात का निजाम धर्म भरम हो सकता है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की जुबान से झूठ नहीं कर सकता। ठीक है। और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मन सलीम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, ओए कायनात के लोगों, तुम में से मुसलमान वो है जिसके हाथ से, जिसकी जुबान से दूसरा शख्स महफूज रहे, दूसरा मुसलमान महफूज रहे। लेकिन हमारा क्या है, बैठ जाना है, चार बंद में बैठ गए, फुलां गंदा है जी, फुलां की ये ऐप है जी, फुलां की वो है, ये हमारी जुबान से दूसरा भाई महफूज है या नहीं, अपनी ईमानदारी से बताओ, महफूज है, बोलो ना, महफूज है या नहीं, नहीं तो फिर हम मुसलमान है, नाम की मुसलमान। वो मुअस्सिस थे जमाना में कातिबे कुरान होकर, हम जलील व ख्वार हुए तारे के कुरान होकर। वो भी तो इंसान थे, वो भी तो मुसलमान थे कि जिनके नामों से कुफर कांपता था, वो भी तो मुसलमान थे ना, जिनकी तारीख आज भी उठा के देखो तो कुफर की टांगें कांपने लग जाती हैं। वो क्यों मुसलमान, कैसे मुसलमान थे, वो ये थे कि वो कुरान को समझते थे, सुन्नत रसूल को समझते थे। आज हमें कलमा घर में मिल चुका है, माँ मुसलमान है, बाप मुसलमान है, कलमा घर में मिल चुका है, 7 साल की 6 साल की उम्र हुई है, कारी साहब के पास आ गए, बस कुरान पाक पढ़ा दिया, उसके बाद हमारा दिन पे कुछ लगा नहीं है, हम मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, बस दिन ही खत्म। देखें कितनी कुर्बानी आई है, ये कलमा ऐसे आ गया, खून की नदियों में तैर के आया है, शोहदा के खून की नदियों में तैर के आया है, हमें मिल गया है, बस हम मुसलमान बन गए। हर शख्स कह रहा है जी मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरे अलावा तो सारे क्या जानना। तो भाइयों, बात करने का मकसद ये है कि अल्लाह के हक बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से, अल्लाह तबारक व तआला 70 माओ से ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी रहमत से अपने हक माफ फरमा देंगे, सिवाय शिर्क के। मैं पहले भी आज कर चुका हूँ कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने वो माफ़ नहीं करना जब तक इंसान नहीं माफ़ी मांगेगा। इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने और जितने भी अल्लाह के हकूक हैं वो माफ़ फरमा देने हैं। अगर अल्लाह ने ऐसे ना माफ़ फरमाए, उसमें बहुत सारी खुद पैगम्बर अलैहिस्सलाम की शिफात है, हुफाज की शिफात है, उलमा की शिफात है, बहुत सारी शिफात है जिसके जरिए इंसान जन्नत में जा सकता है। लेकिन दुनिया के मामले में जो लोगों के हकूक हैं, हकूकुल इबाद हैं, ये वाहिद ऐसा जरिया है, जब तक वो बंदे माफ़ नहीं करेंगे उस वक्त तक वो माफ़ नहीं होंगे। तो लिहाजा मेरे बात करने का मकसद ये है, आज से मैं खुद को ही बदलूं कि यार मैंने जिसकी हक तलफी की है, जिसके हकूक को मैंने दबा के रखा हुआ है, मैं उसका हक उस तक अदा कर दूँ। अगर हकूक मैं अदा कर दूँ, हक हक हर बंदे का हक, दूसरे का कर्ज है, अगर मैं उसका जो कर्ज है उसे लौटा दूं, तो मुझे तो नहीं लगता कि इस मामले में ये जो निज़ाम चल रहा है ये निज़ाम ऐसे ही रहेगा, बल्कि बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। तो आज से हर हम शख्स को ये तहिया कर लेना चाहिए कि अल्लाह के हकूक से जो है वो अल्लाह से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और जो बंदों के हकूक हैं वो बंदों से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। दुआ है कि रब कायनात मुझे और आप सबको जो सुना है, सुनाया है, जो बयान किया है, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।